मेरी आदत है, मैं आजकल 5 अलार्म सिराने रख के सोता हूँ, फिर भले बगैर अलार्म के आँख खुल जाए लेकिन मैं रखता हूँ। तो एक कैसा ना कि अभी हाथ लग गया और पता चला कि वो अलार्म बंद हो गया, या वैसे सेल खत्म हो जाते हैं, बराबर है, घड़ी नाराज हो जाती है बाद बोलती नहीं है। तो इस तरह ये यकन शुद्ध दो शुद्ध हो गया, दो शुद्ध, तो ये इस तरह मैं रखता हूँ कि कोई तो बोलेगी यार इनमें से, असल वो बहुत हसास बहुत हो नाक नहीं खुलेगी। तो नमाज के ताल्लुक से होशो हवास में लेकिन अपने कैसे यार नमाज को जाने दें, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जब कातिलाना हमला हुआ और शदीद जख्मी थे, नमाज का वक्त आया, आपने नमाज उस हालत में भी अदा फरमाई, फरमाया कि नमाज के बगैर आदमी किस काम का। नमाज तो एक मुसलमान पर फर्ज पढ़नी पड़नी। आपने मुलाहिदा क्या होगा बाबा, एक तादाद होती है बाबा जिनको इन मुकामात पर भी नमाज का होश नहीं होता, नहीं होता, हज के बाद बिलखुसूस सुस्ती बढ़ जाती है, क्या वजह है बाबा? हज से पहले तो होती है नमाज का वो थोड़ा वो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हज से फारिग होते हैं स्पेशली तौर बाबा जो जहाज में जो आते हैं, जहाज पे जाते वक्त तो कुछ नमाज का जोक देखा है, वापसी में फर्क पड़ जाता है, कमी आ जाती है। और दुआ कर अल्लाह ताला हम सबको नमाज की अहमियत को समझने और उसे अपने वक्तों में दुरुस्त तरीके से पढ़ने की तौफीक अता। आमीन। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क मुस्तफा पे जो गुलाम चलना।